बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और एक नई आप कह लें कि नए वीकेंड के वीक के साथ और मंडे से लेकर थर्सडे तक मेरा आपका साथ रहता है शाम 6 बजे और इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ आपकी कुछ जो रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ हैं वो हम शेयर करते हैं और उसके साथ साथ आपसे बातें भी होती हैं। तो बिल्कुल जी, आपसे बातों का सिलसिला आज भी रहेगा और आज क्योंकि बच्चों के स्कूल की जो है छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन है और विंटर भी थोड़ी बहुत आ ही गई है कराची में भी, तो आज अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीक को हम बच्चों के लिए किए चीज़ें बनाएं, क्योंकि बच्चे घर में हैं और कुछ बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो कुकिंग भी करना चाहते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट भी आई थी डोनट्स की, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप घर में बहुत ही इजीली आप डोनट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उस डोनट्स बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो है उसकी डो। ठीक है, यानी कि जो उसका आटा गूंदना है, तो मैंने आटा, क्योंकि इसका आटा गूंद के रखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर आटा ऑलरेडी गूंद के रख दिया था और अब इसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं है, स्क्रीन पे आप देखेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वो तमाम चीज़ों से हमने आटा गूंदना है। उसमें क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इस आटे को गूंदने के बाद आपने एयर टाइट किसी भी जार में या कवर वाले ढक्कन ढाक के इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ हवा ना लगे। ठीक है, ताकि ये ईस्ट जो हमने इसमें डाली है वो फूल जाए, एक्टिव हो जाए। अच्छा, अब इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है स्क्रीन पर आ जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें कितनी कितनी मिकदार चाहिए और किस तरह से हमने आटा गूंदना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बता चलें कि बिल्कुल आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, उस नंबर पर आप हमें कॉल करके और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है अब वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमें कितनी कितनी मिकदार चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैदा। ठीक है, मैदा मैंने जो आपको लिखवाया है वो है 4 कप। ठीक है, 4 कप आप लेंगे फ्लोर यानी मैदा, उसके साथ आप लेंगे खमीर यानी कि ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट लीजिएगा, स्क्रीन पर भी आ गया है। 2 खाने के चम्मच आप लेंगे खमीर, ठीक है, यानी कि ईस्ट। उसके साथ ही आप लेंगे चीनी, चीनी आपने लेना है 6 खाने के चम्मच, लेकिन ये होगी पिसी हुई चीनी। ठीक है, उसके साथ आप यूज़ करेंगे मक्खन मेल्ट करके 4 खाने के चम्मच और 1 अदद अंडा, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और ये इसमें हमने मैदे में सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, मैदे में ही हम ईस्ट डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डाल देंगे, मक्खन मेल्ट करके डाल देंगे, अंडा डाल देंगे और उसको आपने ब्लेंड करना है, यानी कि अगर हाथ से गूंद रहे हैं तो उसको आप मिक्स कर लें और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ या दूध के साथ आपकी चॉइस है आप इसको गूंद लें। ठीक है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरह से गूंदने के बाद जब आप इसको रख देंगे तो ये देखें इस तरह से ये खमीर हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से ये खमीर हो जाएगा। अब ये हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिव हो चुका है। अब बस हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है डोनट्स बनाने हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं बोर्ड को ज़रा आगे कर देता हूँ और डोनट्स पे हम काम शुरू करते हैं। और अब आप हमें कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हल्का हल्का सा मैदा मैं ले लूँगा और इससे अब हम बनाएंगे डोनट्स। ठीक है, हल्का सा मैदा लगा के इसको रोल करेंगे। तरह से हाथ से भी कर सकते हैं और रोलर से भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये आप इससे देख लीजिए कि हमारा जो आटा है वो कितना अच्छा सॉफ्ट है, ठीक है। तो बस ये चीज़ होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और चिपक ना रहा हो। बस इसको अब आपने, मैं इसको अब क्या करूँगा, रोल कर लूँगा। अच्छा, अब हमने इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, वो तकरीबन हाफ इंच के करीब रखनी है, ठीक है। एक जैसा बिल्कुल आप इसको प्लेन कर लें। चल, अब मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है डोनट कटर, ठीक है। ये बहुत इजीली आपको सदर वगैरह से मिल जाता है, डोनट कटर कहलाता है। एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल है। अगर डोनट कटर आपके पास नेचुरली नहीं होगा, आप क्या करेंगे, कोई इतना बड़ा ढक्कन ले लेंगे और उसके साथ एक छोटा दवाई के जो बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर ढक्कन होता है छोटा सा, वो आप ले लें। यानी कि कोई भी दो ढक्कन ले लें, एक बड़ा ढक्कन एक छोटा ढक्कन। तो पहले आप बड़े ढक्कन से कट कर लें, फिर उसके बीच में छोटे ढक्कन से कट कर लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास एक साथ ही कट जाता है और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब इस पर आपने थोड़ा थोड़ा मैदा लगाया, मैदा लगा के और इसको आपने कट कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास डोनट कट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इससे ज़रा काम इजी हो जाता है। उससे क्या होगा, पहले आपको बड़े से काटना पड़ेगा, फिर छोटे से काटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपका काम जो है वो बढ़ जाता है। और स्टील की कोई भी चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है बनिस्बत प्लास्टिक की। अब ये देखें, आप अरेंज करते जाएं और इसको काटते जाएं। मैदा क्यों लगा रहा हूँ मैं बार बार, इसलिए कि ये जो है आपका जो सांचा है वो स्टिकी हो जाता है, तो मैदा लगाने से वो बिल्कुल परफेक्ट दोबारा से सेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सारे डोनट्स हमने कट कर लिए। अब इस आटे को उठा लें, ठीक है। इस आटे को उठा के अब दोबारा से हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, डोनट्स जो है उनको उठा लेंगे और यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये और ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ये मंच बन जाएंगे। आपने बच्चों के फेवरेट डोनट्स जब लेते हैं, बच्चे तो मंच भी ज़रूर लेते हैं, तो ये आपके मंच बन जाएंगे। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको हटा देते हैं। चल, ठीक है जी, इस तरह से सारे के सारे डोनट्स जो है वो हमने उठा के एक साइड पे कर दिए हैं। अच्छा, ये जो मैं मंच आपको बता रहा हूँ ये भी आप साइड पे कर दें, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये हमारे मंच जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इनकी खैर है, इनको शेप हम दोबारा से भी दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इसको हम राउंड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन फ्लोर को थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है, इस तरह से। और अब इसको अगेन रोल कर लेंगे। और अगर आपको थोड़े ज़रा, आप कह लीजिए कि ज़रा मोटे डोनट्स चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा रखें, ठीक है। वैसे तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे, बस हल्के हाथ से आपने इसको रोल करना है।
और उसके बाद फिर हम इसकी टॉपिंग के लिए हम तैयारी शुरू करेंगे। अपने चॉकलेट को हमने जो मेल्ट करना है ताकि हम डोनट्स के ऊपर की जो ड्रेसिंग है वो कर सकेंगे, तो उसके लिए हमें कुकिंग चॉकलेट चाहिए, ठीक है। और अब चाहे आप ब्राउन ले लें, वाइट ले लें, आपकी चॉइस है। चलिए, ये भी हमारे पास तैयार हो गए। बस इसी तरह आपने सारे के सारे डोनट्स जो हैं वो बना लेने हैं और आटे को दोबारा से दोबारा बेलते रहिएगा जब तक ये फिनिश ना हो जाए। और इसको आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर में आप इसको बेक कर फ्राई भी कर सकते हैं, और मैं तो ऑयल में करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा आप इनको जो हमारे पास अवन है उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, अवन में आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 180 टेम्परेचर पर आप चाहें तो बेक कर लें। और वैसे जो हम खाते हैं नॉर्मली वो फ्राई हुए होते हैं, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टोटल आप कह लीजिए कि बस इसको आपने आटे को गूंदने के बाद कोशिश करनी है कि आप इसको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आजकल ठंड है, तो कम से कम 1.5 घंटा तो आप इसको रेस्ट दीजिएगा ताकि ये ईस्ट जो है हमारी वो एक्टिव हो जाए। गर्मियों में जो है ये आप कह लें कि इसका टाइम जो है वो ज़रा कम हो जाता है, क्योंकि ईस्ट जल्दी एक्टिव हो जाती है गर्मियों में। तो इस बस ये आपने देखना है कि ईस्ट जो है वो हमारी एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा जी, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग कॉल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम आप लोग बंद नहीं कर रहे हैं। तो टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद नहीं करेंगे और कॉल कर लेंगे तो मुझ तक आपकी कॉल नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपसे भी सही बात नहीं होगी, मुझे भी सही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जब आपको होल्ड पे कहा जाए तो आप अपना टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दें, नहीं करेंगे तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। चल, ये हो गया रेडी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब मैं ले लेता हूँ पैन और उसमें हम करेंगे फ्राई। अच्छा, यहाँ पर डोनट्स आप देख रहे हैं सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, और साथ छोटे जो इनकी बॉल्स हैं वो भी मैंने रखनी है, ठीक है, ताकि हम इसके बनाएंगे मच। ये एक नज़र दिखा दीजिएगा जी, डोनट्स के हमारी कटिंग जो है डोनट्स की वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसके जो आगे फर्दर काम है उस पर हम चलेंगे। ये डोनट्स दिखा दीजिएगा, और आई गेस कॉलर के साथ मसरूफ, डोनट्स दिखा दें, इनका फ्रेम लगा दें। अच्छा जी, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ब्रेक आ गई है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनकी फ्राइंग और फिर जो इसके ऊपर की टॉपिंग है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ मैंने एक छोटा जो राउंड है मंच उसको मैंने डाल के टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ कि आया हमारा ऑयल जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपने एक इस तरह से एक छोटा डाल के देखेंगे, और ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त फूल गया ये, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर जो है ऑयल का बस वो अब ऑलमोस्ट डन है, और अब इसको मैं डोनट डाल के उसको भी चेक कर लूँगा, ठीक है। ये निकाल लेते हैं और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके हम डोनट्स को डालते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छा 1 by 1 डालें, ज़्यादा डालने की मतलब वो नहीं है, आप एक एक करके डोनट डालें, ठीक है। डालने के बाद उसको आप पलट दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। ये
ये देख रहे हैं आप बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे पास डोनट फूल चुका है। बस इसी तरह जो है वन बाय वन करके हमने इनको क्या करना है, सबको फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसको टॉपिंग करेंगे। और हमारे साथ स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं रेसिपी कार्ड भी आ रहा है। हल्का सा बस इसको आपने ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद बस अब इसको आप निकाल लें। ठीक है, फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आँच जो है हमारे पास थोड़ी सी तेज़ थी, तो इसको मैंने थोड़ा स्लो किया है। बस ये देखें कितनी और बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ नहीं है। एक तरफ से आप जब देखें ज़रा सा फूल गया है तो अब आप इसको टर्न कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पूरी वगैरह को फ्राई करते हैं, इसका भी वही प्रोसीजर है। दोनों तरफ से हम इसको कलर देंगे और निकाल लेंगे। और इसको अब आपने किसी भी ड्राई सरफेस पर रखते जाइए ताकि ये अच्छे से इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना नहीं तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि बस आप देख रहे हैं 15-20 सेकंड के लिए ये हमने इसको फ्राई करना है। लाहौर चलते हैं, उसामा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम उसामा। शेफ मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं उसामा लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी उसामा, सर आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे घर वाले सारे आपके शो का वेट करते हैं 6 बजने तक का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जब रिपीट लगा होते तब भी देखते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ फरमाइश करना चाहेंगे? जी सर, वो सिरी पाए अगर आप बना दें। क्या चीज़? सिरी पाए। सिरी पाए, अच्छा जी ठीक है। पाए तो बना दिए, सिरी नहीं पाए बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे मैंने सिरी कभी बनाई नहीं है, अब आपने रिक्वेस्ट की है तो लेट्स सी। पाए तो मैंने बना दिए हैं और चलिए ठीक है। टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है। अब मैं इसको मज़ीद टेम्परेचर को स्लो कर दिया है क्योंकि ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया। और इसी तरह आप ये बना के पिकनिक पे ले जाएं और पिकनिक पे जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ पे टॉपिंग बना के ले जाइए। ठीक है, वहाँ आप टॉपिंग इसकी करें और इन्जॉय करें, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट हैं और बच्चों के लिए तो खैर है ही क्योंकि ये पूरा वीक हम बच्चों की चीज़ें बनाएंगे क्योंकि विंटर वेकेशन है तो बच्चे जो है वो बनाएंगे। अच्छा बच्चे बनाएं बिल्कुल, लेकिन इस हद तक, सिर्फ कटिंग तक। फ्राइंग के लिए बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि कोई बड़ा आपके पास सुपरविजन कर रहा हो, और फ्राइंग आपने नहीं करनी, किसी भी बच्चे ने फ्राइंग नहीं करनी।
ठीक है, ये थोड़ा सा एहतियात वाला काम है, इसमें एहतियात करनी है। हाँ, ये आप इसकी कटिंग तक आप बनाइए, और उसके बाद जब हम इसकी टॉपिंग करेंगे वो फिर आप बच्चे जो बच्चे जितने देख रहे हैं वो खुद करें, अपनी अपनी मर्ज़ी से जो टॉपिंग आपको चाहिए वैसे आप कीजिए, ठीक है। और अभी मैं आपको चंक्स भी दिखा दूँगा, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास यहाँ टॉपिंग्स रखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि लड़काना चलते हैं और शाहरुख से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, शाहरुख बात कर रहा हूँ लड़काना से। जी शाहरुख, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़काना का मौसम कैसा है सर? मौसम तो अभी ठंड ज्यादा है। अच्छा, चलिए जी जी। और क्या कहना चाहेंगे सर? अब बाकी मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। मैं आपसे फरमाइश करूँगा कि शाही टुकड़ों की, शाही टुकड़ों की, ठीक है इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट नोट कर लिए, कोशिश करेंगे जल्द सिखा दें आपको, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। प्रोग्राम मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि वो ये प्रोग्राम देखा करें, और मेरे दोस्त भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग सारे यार दोस्त जो है ना खाने पीने के ज्यादा शौकीन। अच्छा, दैट्स गुड। तो आप खुद भी कुछ बनाते हैं? जी कुकिंग करते हैं आप? जी जी, मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, अभी मुझे बिरयानी बनाना आती है, बस मैं बिरयानी बना। अच्छा चलिए, बिरयानी आप बना लेते हैं तो फिर तो आप सभी बना लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हमने कोशिश करेंगे कि जल्द आपको सिखा दें। चलें जी, ये बस हमारे पास तीन रह गए हैं और इनको भी हम करते हैं फ्राई, और उसके बाद जो है आ जाएंगे हम इनकी टॉपिंग पर। ये हमारा वो है जो थोड़ा सा चिपक गया था, तो थोड़ा सा डी शेप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फूल तो ये भी जाएगा। चल, ये हमारे पास ये भी डन हो गया। तो आपने देखा घर में बनाने में ये फ़ायदा है कि ढेरों ढेर आप खूब सारे बना लीजिए, और आराम से जो है आपके खूब सारे डोनट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे बाज़ार से, क्योंकि आपको पता है खासा महंगे मिलते हैं। और एबटाबाद चलते हैं और नईम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नईम साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहना चाहेंगे जी? माशाल्लाह आपको, ये आपका काम देख के हमें बहुत खुशी हुई है भाई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, क्या कहना चाहेंगे जी? बस देख के आपके साथ बात कर रही है, वैसे बस बात। चलें बस इसी तरह देखते रहिए, बात करते रहिएगा, चीजें बनाते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, लास्ट डोनट भी हमारे पास हो गया है, बिल्कुल तैयार, हल्का सा बस इसको हम थोड़ा सा कलर देंगे, क्योंकि मैंने फ्लेम स्लो किया है, आप देख रहे हैं, तो हल्का सा आपने इसको बस नॉर्मल फ्लेम पर ही डन करना है। ये देखिए, ये हमारे पास इसका कलर आ गया है, बस इसको मैं निकाल लूँगा। चलिए जी, डोनट्स तो हमारे पास हो गए हैं सारे के सारे तैयार, और ये अब बात रह गई है इनके मंच की, ये हम डाल देंगे। ये मेरे ख्याल में मैं सारे ज़रा एक साथ डाल देता हूँ, फिर अलग कर लेंगे। इसको भी हल्का सा बस कलर देके निकाल लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चॉकलेट जो है, कुकिंग चॉकलेट कि हमने टॉपिंग किस तरह से बनानी है इनके लिए। अच्छा, इसको आप खाली शुगर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइसिंग शुगर या चीनी को बहुत फाइन बारीक पीस लें, और वो आप डाल के भी सर्व कर सकते हैं। और सॉरी, अच्छा जी, चलिए अब ये हम इसको भी निकाल लेते हैं, और फ्लेम को, फ्राई पैन को हम साइड पर करके,
चलिए ये हो गया और अब आ जाएंगे हम चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं। अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमें स्टीमर लाइक बनाना है, ठीक है। और स्टीमर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें चाहिए जो इसके अंदर आ, ये सही नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं लेता हूँ, कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? ये डोनट्स की रेसिपी दोबारा बता देंगे प्लीज? जी बिल्कुल बता देंगे, अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, इसमें हम मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रहा हूँ ये पानी, ठीक है। उसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद अब ये पैन मैं इसमें रख दूँगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डबल ब्रॉयलर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको अब हम, पैन हमारे पास गर्म हो रहा है, इसमें हम डालेंगे चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट करके कट करके, और ये मैं पैन में डाल रहा हूँ। और हुमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी बस कराची का मौसम आपको पता थोड़ा चेंज हो गया है। जी बिल्कुल चेंज हो गया है। उसमें इस तरह की जैसे आप डोनट्स बना रहे हैं, तो मैंने एक बार मैंने बनाए थे, लेकिन जैसे माशाल्लाह से आपने बनाए, इस तरह तो नहीं बने थे, लेकिन बार मैंने बना लिए थे। ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने, आपको कैसे लगे। जी चलो बनाऊंगी। आपने गाजर का हलवा बनाया था, वो भी मैंने ट्राई किया था। अच्छा, ठीक बन गया था? गाजर का हलवा? जी जी, अच्छा बन गया था। जी जी, और आपने जो कश्मीरी खासतौर पर जो चाय बनाई थी, जी जी, तो वो मेरे पास असल में अब ये नहीं समझ आता ना कि जो कश्मीरी जो चाय होती है ये ओरिजिनल है या बाहर, वो मैंने मंगवाई थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल, और बस इसी तरह आप विंटर को एंजॉय कीजिए चीज़ें बना के, और काफ़ी सारे हैं और इंशाल्लाह आगे सर्दियों की चीज़ें और भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जो बाजरे की टिक्की होती है तो वो सके पॉसिबल तो आप बनाइएगा। सॉरी, बाजरे की जो टिक्कियाँ होती है? जी जी जी, तो अगर हो सके तो वो बनाएंगे आप? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, मैं ज़रूर सिखा दूंगा। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, ये तो आपको मैंने सिखा दिया, नीचे पानी और उसके ऊपर एक पैन रख के, और इसमें हमने ये ढक्कन लगा दिया, अब इसमें हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है, पानी हमारे पास ज़्यादा ऊपर ना आए। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि चॉकलेट को, एक तो मैंने आपको स्टीमर पे बता दिया है, ठीक है, और सेकंड जो है अब मैं इसको माइक्रोवेव में आपको मेल्ट करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। और हमारे पास लाहौर से मौजूद हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है, ठीक है शेफ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने आपसे पूछना था केक की रेसिपी, वो भी सेम ऐसी ही है। किसकी? नहीं नहीं, केक की रेसिपी नहीं, केक की रेसिपी फ़र्क है, केक को आप फ्राई नहीं करते, उसको आप बेक करते हैं ना। तो मैं केक मैंने कई दफ़ा सिखाए हैं, चलें फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा भी सिखाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा जी, इसको मैं आप थोड़ा सा और स्लो कर रहा हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसमें, अच्छा इस चॉकलेट में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो प्याला है वो भी सूखा हो, ड्राई हो। और अब इसको हमने मेल्ट करने के लिए रखना है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं।
तकरीबन एक मिनट और 20 सेकंड देते हैं और लेट्स देखते हैं। अच्छा, और साथ ही अब हमारे पास जो यहाँ पर हमने रखी है वो अभी, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है मेल्ट होने में, ठीक है। और हमारी जो माइक्रोवेव वाली है वो ज़रा जल्दी हो जाएगी। चलिए इसको हम ज़रा क्लीन करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल जो डोनट्स हैं कुछ, तो आप जो हमने शुगर के साथ सर्व करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, इसके लिए तो सिंपल आपने डोनट लिए, चलें, और कुछ मैं ये मंच ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए पिसी हुई चीनी, किसी भी बाउल में पिसी हुई चीनी लेंगे या आइसिंग शुगर, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ वो आप ले लीजिएगा। अब पिसी हुई चीनी जो है बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, ठीक है, और मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। अच्छा जी, एक तरीका जो तो ये है कि ये देखें, चीनी हमने ले ली, चीनी में आपने ये डोनट्स को इस तरह से रोल करना है। अगर पूरे पे आपने शुगर चाहिए तो आपने इस तरह से इसको रोल कर लिया, ठीक है, ये देखिए, ये आपका शुगर वाला तैयार हो गया। इस मंच को भी आपने इसमें डाल के अच्छे से घुमाएं। कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, और ये हमारे मंच तैयार हो गए। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? ये आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, आपका लाइव शो नहीं आ रहा था, मैं डेली कॉल करके पूछ रही थी, आपकी सुना था तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दुआ भी करी थी, आपकी कैसी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है, आप बताइए आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको लाइव देख के। बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह देखती रहिए और दुआओं में याद रखिए, ठीक है, चल। अच्छा जी, अब ये आपने देख लिया। एक और तरीका क्या है कि आपको अगर सिर्फ ऊपर शुगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे। चले मैं वो किसी और चीज़ पे बता देता हूँ, इसको हम इसी तरह रोल कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको क्या चाहिए, आपने सिर्फ डोनट्स के ऊपर जो है शुगर हम स्प्रिंकल करेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक प्लेटर ले लेते हैं, लेकिन ये मेरे पास वाइट है, कोई डार्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। चल, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और सेकंड जो है उसके डोनट के लिए एक आप कोई भी डोनट ले लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर आपने शुगर स्प्रिंकल करनी है, और शुगर के अब आपने क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रेनर ले लें, ठीक है, उसमें आपने ये चीनी डालनी है और इसके ऊपर आपने ऐसे डस्ट कर देनी है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास डस्ट वाली आ गई, और बस अब वेट करते हैं हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाए। मेल्ट, बस ये इस होना शुरू हो गई है, फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ, और माइक्रोवेव वाली जो है उसको भी ज़रा सा देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, हल्का सा मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, बहुत हल्का सा, लाइक 2-3 खाने के चम्मच के करीब। ठीक है, ये देखें,
अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बननी चाहिए। रावलपिंडी चलते हैं जी, मिसेस फैसल हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ। जी मिसेस फैसल, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ सर, आपका क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? सर ये जो आप डोनर बना रहे हैं बहुत जबरदस्त चीज बना रहे हैं, बहुत मुझे, मैं वैसे भी पसंद करती हूँ डोनर। अच्छा चलिए, अब आप घर में बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। चलिए जरूर बनाइएगा। ये प्रोग्राम के आखिर में आप इसकी रेसिपी को रिपीट कर सकते हैं आप? बिल्कुल मैं कर दूंगा, और अभी स्क्रीन पे हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी चला देंगे। ठीक है सर, प्लीज वो समोसे बनाने की तरकीब बता दें। चलिए जी इंशाल्लाह जरूर सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बस फिर हम इसको शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे इसकी टॉपिंग और इसके ऊपर की मज़ीद क्या कुछ करना है वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ कॉलर भी हैं, वेलकम बैक भी आप लोगों को। अच्छा जी यहाँ पर अब मैं इसको तो बंद कर रहा हूँ, अभी ये मेल्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है मुझे आपको सारी चीज़ें दिखानी हैं। अच्छा अब ये देखें हमारे पास ये चॉकलेट मेल्ट हो गई, ठीक है ये देख ठीक हो गया, ये मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, कोट करूँगा अपने डोनट्स, ठीक है तो इसको। अच्छा जी हमीद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। सलाम असद भाई, कोटली अदाब के शेर से बोल रहा हूँ। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह मेरी वाइफ भी कराची से हैं तो वो बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देख रही है, कहती थी। अच्छा मैं जी। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैंने कहा बड़ी बात है भाई कैसे जानती हो तो मैंने कहा कोई शागिर्दी वगैरह तो नहीं किया? नहीं किया था। चलिए उनको मेरा सलाम कहिएगा, बहुत शुक्रिया कहिएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बस जनाब आपसे सिर्फ बात करनी थी हमने, बस आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, बस इसी तरह देखते रहिए इसी मोहब्बत के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा जी साथ साथ सर से बात हुई और हमारे पास यहाँ डोनट्स जो हैं वो भी मैंने कर लिए हैं रेडी, ठीक है। और जो है अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक दो और कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी गार्निशिंग पे आते हैं। और आप चाहें मैं एक तरफ लगा रहा हूँ, आप चाहें तो ये दोनों तरफ से भी, ये देखें इस तरह से दोनों तरफ से भी आप डबल चॉकलेट भी बना सकते हैं। ये देखें दोनों तरफ से आपने इसको चॉकलेट लगा ली है, ठीक है जरा सा दिखा दीजिएगा। ये देखें दोनों तरफ से मैंने इसको चॉकलेट में कोट कर दिया है, तो आप चाहें डबल चॉकलेट कोट करना है तो आप डबल चॉकलेट कर दें। चलिए तो अब ये आपकी चॉइस है कि किस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इसको डन कीजिए। चलिए और ओप्स ये हमारे पास गड़बड़ हो गई। चलिए अच्छा अब मैं यहाँ रखता हूँ जरा, और जो मंच है उसको भी हम डन करेंगे, पहले मैं इसको कर लूँ डन। अच्छा जी अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंकल्स आते हैं, ठीक है मार्केट में,
आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें, ठीक है। ये बहुत तरह के मंच जो हैं वो आते हैं, और इसके ऊपर टेप लगी हुई है आई गेस। और अच्छा, कुछ भी ना हो, अगर आपके पास ये चंक्स वगैरह नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं जनाब नारियल, ठीक है, कोकोनट लेके, और वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तरीका सही है कि आप डोनट्स के ऊपर, चॉकलेट के ऊपर, अच्छा कोकोनट डाल दीजिए, चलिए खुल गया। और इस तरह से ये हमारे पास स्प्रिंकल्स आते हैं, ये सिल्वर मेरे पास बॉल्स हैं, ये आप डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक इधर बना देते हैं, उसी के साथ ये मेरे पास बंटी वाले हैं, छोटी बंटीज, ये डेकोरेटिव आइटम्स के लिए बंटीज मिलती हैं, ठीक है, कलरफुल बच्चों के लिए। और चमक आप देख रहे होंगे, शाइन आ गई है हमारी चॉकलेट में। अच्छा, एक के ऊपर मैं जो मैंने ये चॉकलेट कट की है ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलें, ये डबल चॉकलेट हो गया, दे दें। और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, तो थोड़े से मैं ये कॉर्नफ्लेक्स डाल। मलिक मुर्शिद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद कश्मीर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद भाई, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? हाँ, कैसे आपकी रेसिपी देख रहे हैं हम जी, बहुत शुक्रिया। तो आप चॉकलेट, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया है, आपसे बात नहीं हो पाएगी सर। कश्मीर से बोल रहा हूँ, आजाद कश्मीर से जी। बिल्कुल, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए तो फिर मेरी आपसे बहुत अच्छे से बात हो जाएगी। चलिए जी, अच्छा जी, टाइम भी ख़त्म हो गया है, और जब भी आपने कॉल करनी हो तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। और डोनट्स हमारे पास तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए। चलिए जी, और इसको एंजॉय कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब आप इनको बनाएंगे कि आपको डोनट्स कैसे लगे, ठीक है। सॉरी, ऐसे, ठीक है, ये अदा कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो चलिए जी, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो होगी आपसे मुलाकात कल। और कल क्या बन रहा है बच्चों के लिए, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें कल ही आपको बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।